जय हिंद एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो। जैसे आपको कोई एक नंबर गिवन है, आपको निकालना है कि उसके जो फैक्टर्स में कितने जीरो होंगे, तो कैसे निकालोगे वो हम लोग इधर देखते हैं। मीन्स उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जानते हो, जैसे आपका 10 का फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9 × 8 × 7 up to 1। अगर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1। अगर 2 का फैक्टोरियल है तो 2 = 2 × 1। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि आपको कोई भी नंबर है तो उसके फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे, तो कैसे निकालोगे। इसका बेसिक रूल होता है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको नंबर ऑफ 5 पता करने होते हैं कि उसके फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे, और जब 5 एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता है, 5 एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता है, 5 × 2 होता है तो 10 बनाता है, 5 × 4 होता है, जब भी एक 10 बनाएगा, मीन्स 5 जितने भी 5s होंगे वो जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो एक जीरो जनरेट करता है। तो आपको गिनना होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको 5 गिनो, बट इट विल बी वेरी लेंदी प्रोसेस, आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। आपको ये पता करना हो कि कितने 5 है, कोई नंबर बढ़ा दे दिया तो कैसे करोगे। तो उसका शॉर्टकट है, जो बेसिक ट्रिक है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, वो ये है काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एन। कैसे करना है, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, आपको एन लिखना है। जैसे एन आपका नंबर है तो एन जिसका फैक्टोरियल निकालना है जैसे 10 है, एन लिखना है, उसे 5 से डिवाइड करना है, प्लस n/5² प्लस n/5³ प्लस n/5 ब्ला 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 डैश। ठीक है, आपको इंटीगर वैल्यू ऑफ सम लेना है। मीन्स इंटीगर वैल्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल जब दिखाऊंगा, जब शो होगा। देखो, आपको 10/5 किया प्लस 10/5² किया, जैसे आपको 10 फैक्टोरियल है, इसी में निकालना है कि कितने जीरोज होंगे, तो कैसे निकालोगे। 10/5 प्लस 10/5² डेस प्लस प्लस डेस, तो आपको वहीं तक लेना है जहाँ पे 1 से लेस ना आए, जैसे 10/5। और जो 10/5² नहीं लेंगे, क्योंकि 10/5² की जो वैल्यू है 10/25, तो वो लेस देन 1 आएगी, तो आपको ये नहीं लेनी है, लेस देन 1 नहीं लेना है, 1 से अबव लेना है। और आपको जब इंटीग्रल वैल्यू की बात करते हैं तो सिर्फ इंटीग्रल सम लेते हैं, सिर्फ इंटीजर्स को मेंशन करते हैं, उसमें डेसिमल नहीं लेते हैं। ठीक है, 10/5 कितना होगा, 2, तो मीन्स यहाँ पर सिर्फ 2 ही होगा, तो यहाँ पर मीन्स 10 फैक्टोरियल में 2 जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। ठीक है, एक चीज़ और को इंटीग्रल वैल्यू एक्जैक्टली क्लियर कर दें। ठीक है, 126 का फैक्टोरियल है तो 126/5, 126/5², 126/5³, 126/5 = 5⁴, 5⁴, 5⁴. ठीक है, जब 126 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा आपको सिर्फ इंटीजर लेना है, 25 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा, उस समथिंग समथिंग को नहीं लेना है, आपको सिर्फ इंटीजर लेना है 25। 126 को 25 से डिवाइड किया होगा तो भी आपका कुछ ना कुछ आगे आ रहा होगा, 5 ……, तो आपको वो नहीं लेना है, आपको सिर्फ 5 लेना है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी, मीन्स इंटीजर लेना है, 25 + 5 + 1। जब 126 को 5³ से डिवाइड किया होगा, मतलब 5³ = 125, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग में आपको सिर्फ 1 लेना है। तो सारे इंटीजर का सम की इंटीग्रल वैल्यू का सम करेंगे, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो आपका 31 जीरोज आएंगे। ओके, 1000 का करते हैं, 1000 का फैक्टोरियल है, उसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, तो इन सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू विल बी 1000/5, 1000/5², 1000/5³, 1000/5 = 4। जहाँ तक करना है, जहाँ पे से ये करोगे तो यहाँ पे 5 से मीन्स 1 से कम आएगा, तो इसे नहीं लिया है, सिंपल 4 लिया है, 200 + 40 + 8 + 1, सिर्फ इंटीजर्स लिए, ऐड किया तो 249 जीरोज आएंगे। और सिंपल आपसे अगर पूछ लिया होता कि 1000 में निकालो कितने जीरो, 1000 फैक्टर में कैसे निकालते, करके देखते हैं, नहीं ना, इसीलिए ये बेसिक ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स। जब शॉर्टकट करोगे तो आपके पास टाइम ज़्यादा बचेगा, और कॉम्पिटिशन में टाइम मैटर करता है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।